नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गर्वेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ऑटोडी। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा, हमारे साथ एक शख्स जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से, जिनका नाम है विवेक शर्मा, जो कि एक छात्र हैं और जो कि एक संस्था में काम करते हैं जिसका नाम है ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो जैसा कि उन्होंने पिछले अपनी वीडियो में हम अपनी संस्थान के बारे में बताया था, इनकी संस्थान बहुत ही अच्छे अच्छे काम करती है, बहुत पुरानी संस्थान है। उनकी संस्थान काम करती है बच्चों को फूड प्रोवाइड कराने के लिए, वहाँ उनके गांव की सफाई वगैरह के लिए, एजुकेशन में बहुत मदद करती है, फर्जी मार्कशीट वगैरह को पढ़वाती है, एजुकेशन के टाइम पर जिन बच्चों को जो भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए बहुत सारा काम करती है। तो आइए इनसे आगे अपनी बातचीत जारी रखते हैं और इनसे अपने आगे की कुछ सवाल पूछते हैं। तो विवेक जी, जैसे कि आपने अपनी पिछली वीडियो में हमें बताया था कि आपकी संस्थान गांव-गांव जाके बच्चों को फूड प्रोवाइड करती है, उनके लिए खाना देती है, बेसहारा लोगों की मदद करती है, तो जो आप वो खाना लाते हैं, वो खाना आप कहाँ से लाते हैं? वो फंड आप अपने संस्थान से देते हैं या कोई बाहर का व्यक्ति आपको फंड प्रोवाइड कराता है? देखिए अविनाश जी, ऐसा है कि जो फूड जो अपन प्रोवाइड कराते हैं वो काफ़ी हद तक अपन संस्थान के दौरान सामने विलेज वगैरह में अपन फूड प्रोवाइड करवाते हैं। फिर इसके दौरान जैसे कि एक फंड वगैरह होता है, एक चैरिटी का जो आजकल माहौल है, अलग अलग चैरिटीज जो हैं वो अपन को चैरिटी के दौरान पे फंड प्रोवाइड कराते हैं, तो अपन उसको कलेक्ट करके वो कहीं ना कहीं अपन संस्थान के दौरान सामने वाले को फूड प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि शादी वगैरह भी होती हैं आजकल की, तो शादी में जैसे कि इन खाना वेस्ट जो होता है तो वो कहीं ना कहीं जो सूखा जो राशन होता है वो कहीं ना कहीं अपन को आके वो प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं हमको ऐसी मदद भी मिल जाती है आर्थिक रूप में कि अपन सामने वाले को कि खाना पीना है जो अपन प्रोवाइड करा देते हैं। तो विवेक जी, ये तो आपकी संस्थान बहुत ही अच्छा अच्छा काम कर रही है। एक सवाल और हमारा है, जैसे कि आपकी अपने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी संस्थान गांव-गांव जाके उनके वहाँ की सफाई वगैरह करती है, पहले तो बहुत अच्छा उनकी सफाई वगैरह होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, मगर जैसे कि अभी देखा जा रहा है कोविड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और पिछले एक साल से हमारी देश भी लॉकडाउन की वजह से ग्रस्त हो चुका है, तो उस टाइम पे अब आपकी संस्थान कैसे वहाँ पे सफाई करती है, वहाँ के लोगों को कैसे अवेयर करती है साफ सुथरा रहने के लिए? देखिए अपना जी, पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आजकल आप देख रहे होंगे कि भारत में अपने कोविड का किस तरीके की महामारी चल रही है, तो इस दौरान हमको काफ़ी मुश्किलें होती हैं ये सब सारी चीज़ें करने के लिए, पर हम कहीं ना काफ़ी हद तक ये है कि हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये सोचते हैं कि काफ़ी हद तक मतलब काम जारी रखते हैं सामने वाले को, मतलब ऐसी कुछ जो आजकल जो चल रहा है कोरोना टाइप का, तो ये अपन ना होने दें, तो इस दौरान अपन साफ सफाई वहाँ पर करवाते हैं, प्रिकॉशंस का काफ़ी अपन ख्याल रखते हैं वहाँ पर, तो सोशल डिस्टेंसिंग भी रखते हैं अपन वहाँ पर, प्रॉपर मास्क सैनिटाइजिंग वगैरह सब पूरा ध्यान में रखते हुए अपन उसको वहाँ पर साफ सफाई वगैरह करवाते हैं। जैसे कि घर वगैरह होते हैं तो उसका भी रेनोवेट वगैरह अपन करवाते हैं वहाँ पर, तो इसी काफ़ी हद तक अपन इस तरीके से वहाँ पर वर्क करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, तो प्रॉपरली उनको अपन मास्क प्रोवाइड कराते हैं, सैनिटाइज प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि उनको भी मतलब सेफ्टी बनी रहे अपने देश में। तो विवेक जी, आपने जैसे हमें बताया कि आपकी संस्था इतने अच्छे अच्छे काम करती है, तो मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है कि आप अपने संस्थान के बारे में इतना बताइए कि वो लोगों को मोटिवेट कैसे करती है और आगे के बच्चों को मोटिवेट कैसे करती है कि वो आपके संस्थान में आके जुड़े, क्योंकि जो आपकी संस्थान है जो पूरी स्टूडेंट्स के ऊपर बेस्ड है, तो वो आगे के आने वाले स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करती है, क्योंकि आप जो जैसे कि सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट्स हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश का फ्यूचर है, तो उनको आप कैसे मोटिवेट करते हैं? देखिए अविनाश जी, ऐसा है कि आप जो एक आजकल के जो छात्र हैं, जो अपने जो इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, वो आने वाले समय के लिए एक ब्राइट फ्यूचर है, तो जिसके कि ये अपन जो ABVP जो अपना संस्थान है, ये अपन इसी दौरान काम करता है कि अपन एक छात्र को एक अच्छे फ्यूचर, एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छा एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड कराएं, और जो नए नए लोग हैं वो हमसे आकर जुड़ें। ये जरूरी नहीं है कि अपने लिए स्टूडेंट है या कॉलेज के कोई बच्चे वगैरह हैं, जैसे कि कोई नॉर्मल लोग भी है वो आके अपने संस्थान से जुड़ सकता है, इस पर वर्क कर सकता है, एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए, एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए बच्चे के लिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी कहीं ना कहीं दर बदर बेहतर होती जाए। तो जैसा कि आपने देखा, जो संस्थान ABVP है वो हमेशा से बहुत टाइम पुराने टाइम से अच्छा काम कर रही है, और हमारी इनसे बहुत शुभकामनाएं, जैसे कि आपकी संस्थान जो काम कर रही है ऐसे ही करती रहे। मैं गर्वेश श्रीवास्तव, कैमरामैन हर्षित के साथ, और ऑटोडी।